का भी सीन क्रिएशन हो रहा है, जो फोरेंसिक के जो लोग हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, फोटोग्राफी की गई है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट किया गया कि ताकि पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके और अब दोबारा कोई चीज ऐसी न छूटने पाए कि दोबारा उसको समझना पड़े, लिहाजा उसी लिए एक एक चीज को समझा जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो उस जगह को भी दिखाए जहाँ पर अभी हलचल है, वहाँ पर हलचल चल रही है, जो क्राइम सीन को क्रिएट करने वाली जो फोरेंसिक की टीम थी वो यहाँ पर मौजूद है, जो प्रयागराज पुलिस के जो असली अधिकारी जो उस दिन मौजूद थे, चाहे वो इंस्पेक्टर धूमनगंज, अन्य थानों की पुलिस फोर्स, जो पुलिसकर्मी, चूंकि कुल 9 से 12 पुलिसकर्मी उस दिन पर तैनात थे, तो कहा जा रहा है अतीक और अशरफ की सुरक्षा में। और तो ये देखिए, ये अब एक तरीके से एक नापा भी जा रहा है, ये पूरी ये जो इंची टेप से नापा जा रहा है कि इंच नापी जा रही है कि ये कितनी दूरी थी इनके बीच में, ये इंस्पेक्टर यानी जो नापा जा रहा है और ये तमाम लेकिन जो फॉरेंसिक की जो टीम हो वो तमाम चीजों की जांच की जा रही है। जी कितना ट्रेवल करके संतोष शर्मा हमारे संवाददाता लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, समर्थ भी वहां पर मौजूद है। समर्थ आप बताइए किस तरह से पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। सही, देखिए जिस तरह से घटना हुई थी उस वक्त वो सारी चीजें जिससे कि पुख्ता हो सके कि कहां पर जीप रुकी, कितने पुलिसकर्मी थे, किस तरफ से गोली चली, कहां कहां लगी गनशॉट्स, कहां कहां लगे उस वक्त, अस्पताल में क्या हलचल थी, लाइट्स क्या थे, और पुलिस जीप बाहर रुकी तो क्या था, क्या उसका मतलब था, वो सारी चीजें उसका हिस्सा है सीन रिक्रिएशन का। और ये केवल इसलिए किया जा रहा है जिससे एक सटीक चीज सामने आ सके कि आखिर घटना को जब अंजाम दिया गया है तो क्या कहीं किसी एंड से चूक रही थी या नहीं रही थी, पर जो एक क्लैरिटी है, हालांकि एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी है जिसमें पुलिस ने पूरी बात विस्तृत तरीके से लिखी है कि किस तरह से अटैक हुआ है, किस तरह से चीजें हुई, क्योंकि पुलिस ही इसमें पार्टी थी जिसने एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि जब पुलिस रिमांड में अगर कोई अभियुक्त है और उसकी हत्या हो जाए तो उसमें पुलिस खुद अपने एंड से एफआईआर दर्ज कराती है। और इसमें भी ठीक ऐसा ही हुआ था कि पुलिस की रिमांड में अतीक अहमद और अशरफ थे और उसके बाद ये घटना हुई थी जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई थी और अब उसको सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। उस रात जब आज तक भी ग्राउंड पर मौजूद था जब गोलीबारी हुई, जब ये घटना हुई, अब उस एक चीज को रखा जा रहा है कि कौन कहां पर खड़ा था उस वक्त, कौन मीडिया पर्सन कहां था, पुलिस के जवान कौन कहां पर था, और जब ये पूरी घटना हो गई तो किस तरह से आरोपियों ने सरेंडर किया और किस छोर से पकड़ा गया, और अगर कोई सिपाही घायल हुआ तो उसको गोली कहां लगी, कैसे लगी, ये सारा जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो मीडिया पर्सन बन के आए, नारे लगाए, सारी चीजें इस सीन रिक्रिएशन का हिस्सा है। और वही तैयारी वहां पर इस वक्त प्रयागराज में करी गई है जिससे कि एक एक चीज बारीकी से क्राइम सीन की सामने आ सके, क्योंकि उस दिन जो घटना हुई थी फिलहाल उसके सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आए हैं, शायद पुलिस के पास होंगे पर सामने अभी तक नहीं आए हैं, पर जो आज तक कैमरा ने रिपोर्ट दिखाई थी, क्योंकि आज तक वहां मौजूद था और एक सीन कैप्चर किया था, हमने वहां ग्राउंड से रिपोर्ट भी किया था, तो वो सारी क्लैरिटी पुलिस के पास थी, पुलिस का तमाम वीडियो सोशल मीडिया टीवी के जरिए वो सारी चीजें देख चुकी है। हालांकि जो एसएचओ वहां पर मौर्य है, जो एसएचओ धूमलगंज है, उनकी भी मौजूदगी सीन रिक्रिएशन में है, जो सिपाही घायल हुए थे उनकी मौजूदगी भी सीन रिक्रिएशन में है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वहां पर इंस्पेक्टर का होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर ही उस दिन उस रात पूरा मूवमेंट लीड कर रहे थे और आज जब सीन रिक्रिएशन हो रहा है तो उनकी मौजूदगी लगातार इस पूरे रिक्रिएशन जहां पर हो रहा है वहां पर मौजूद है। क्या क्या किया है और इन चीजों से समर्थ निकलता क्या है, क्या जांच एजेंसियां जो हैं वो यहां से प्राप्त करना चाहती हैं?
सही, देखिए क्लैरिटी, मैं कहूंगा क्लैरिटी थोड़ी चाहिए होगी इसमें। यूं तो SHO वहां पर मौजूद थे जब ये घटना हुई है, उन्होंने अपना बयान ऑब्वियसली SIT को दिया होगा, जो SIT इस पूरे मामला को लेकर जांच कर रही है। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दिन ही ये चीज साफ कर दी थी कि जो घटना हुई है इस पर इंक्वायरी बैठेगी, और उसके लिए 3 सदस्यीय जुडिशियल कमेटी मुख्यमंत्री ने उस दिन ही बना दी थी, जिससे कि क्लैरिटी आए या कहीं अगर कमी पुलिस की, लोकल पुलिस के एंड से है तो वो भी सामने आए, और अगर आएगी तो एक्शन भी होगा। आपको, आपने देखा है शाहगंज के इंस्पेक्टर को हटाया गया है, कुछ और पुलिसकर्मी धूमलगंज के उनको हटाया गया है, तो कार्रवाई भी लगातार हुई है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ ढील शायद लोकल पुलिस के तौर पर बढ़ती गई है। और वही हम डेवन से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से जीप बाहर रोकी गई है या एक इंस्पेक्टर द्वारा पूरे मूवमेंट को लीड कर रहा है, तो सीन रिक्रिएशन जो हो रहा है उसमें ये क्लैरिटी पुलिस करना चाहती है कि आखिर क्या क्या चीजें पुलिस के एंड से थी जो शायद कमजोरी का वीक पॉइंट साबित हुई, या कुछ क्या क्या चीजें शूटर्स के एंड से थी जो कहीं ना कहीं हावी कर पाई, या इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जा सका। सीन रिक्रिएशन का साफ मतलब यही है, और जैसे क्योंकि जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट होगी जो शायद कोर्ट भी जाएगी, उसके लिहाज से भी सीन रिक्रिएशन बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक एक क्लैरिटी आएगी। जो SHO वहां पर मौजूद है वो सबसे बड़े विटनेस उस कांड के हैं, क्योंकि वहां पर उनकी मौजूदगी में ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने, अपने अगर विजुअल्स में देखा हो कि वो दोनों हाथों से अपने वहां पर जो दो व्यक्ति सरेंडर, जो शूटर सरेंडर कर रहे हैं उनको पकड़ते भी नजर आ रहे हैं, यानी कि पहले उनके सामने कांड होता है और विद इन सेकेंड्स वही वो व्यक्ति हैं जो पहले पीछे हटते हैं, और जब शूटर्स वहां पर सरेंडर सरेंडर चिल्लाते हैं तो वही इंस्पेक्टर आगे आते हैं और अपने दोनों हाथों से उन शूटर्स को पकड़ लेते हैं। तो उनकी भूमिका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम इस पूरे कांड में, हालांकि और पुलिसकर्मी भी थे, उनके सामने भी सारी चीजें हुई हैं, SIT की टीम ने जरूर उनसे भी पूछताछ करी होगी, पर जो इंस्पेक्टर का रोल वहां पर था वो सबसे ज्यादा अहम था। और ये रिक्रिएशन केवल खाली पुलिस के एंड से ही नहीं हो रहा, बल्कि शूटर्स की क्या स्ट्रेटेजी थी, शूट कहाँ से हुई, यानी कि जो जितना डिस्टेंस था, जो प्रोफेशनल शूटर्स लगातार ये कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो पहली गोली जब चली, यानी कि अशरफ अतीक और उसके बगल में जहां पर मैं था, जहां मैं देख पा रहा था, अतीक की गोली एकदम सिर पर सटा के मारी गई है, यानी कि पहले शूटर ने जो गोली मारी है वो एकदम सिर पर सटा के मारी गई, चलिए मान लेते हैं कि वो नौसिखिया भी कर सकता है, दूसरी गोली अशरफ को मारी गई है वो भी करीब से मारी गई है, पर जो अन्य दो शूटर्स हैं जिन्होंने सामने से फायर किया, यानी कि जहां पर कैमरामैन खड़े थे कहीं वहां से जो फायर हुआ है उसमें दूरी अच्छी खासी थी, कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 200 मीटर तो दूरी, और उसमें भी तो गोलियां सही लगी हैं पोस्टमार्टम में, तो काफी काफी 7 या 8 गोलियां लगी हैं ना समर्थ। बिल्कुल सही, जिस तरह से पोस्टमार्टम में निकल कर आया है, जितना मैंने भी स्पॉट्स देखा था कि पेट पे गोली अतीक के थी, पैर पे गोली थी, सिर पे तो पहली गोली लगी ही थी, तो प्रॉपर शॉट थे, और पहला निशाना वहां पर बॉडी में मारा गया है जहां पर बचने के चांसेस कम है, तो ये शूटर्स को पता था, ये दुनिया में जाहिर है कि अगर सर पे गोली लगती है तो बचने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर ब्रेन पर बुलेट पे अटैक किए, बुलेट टच किए और ब्रेन जहां पर काम करना आपका बंद करेगा तो पूरा बॉडी अपने आप ही काम करना बंद कर देता है, ये शूटर को पता था, इसलिए पहला अटैक जो अतीक अहमद पर हुआ है वो सर पर हुआ है, और ठीक यहां पर हुआ जहां मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे बगल के बगल में अतीक अहमद उस वक्त मौजूद था, और अशरफ जैसे ही पलटा ये देखने के लिए कि ये आवाज कहां से आई है, क्योंकि उस वक्त पहली आवाज किसी ने चिल्लाया था पटाखा, तो अशरफ भी शायद समझ नहीं पाया होगा कि हुआ क्या है, और अशरफ जैसे ही मुड़ता है दूसरी गोली उसके पेट पर लगती है सईद, और दूसरी गोली में ही मैं आपको बता रहा हूँ पेट पर ऐसी जगह गोली लगी है कि उसी एक गोली में अशरफ का काम तमाम हो गया था, बची गोलियां तो इसलिए मारी गई हैं इस बात को पुख्ता करने के लिए शूटर्स ने मारी है कि कहीं 1% भी चांस न रह जाए कि अतीक या अशरफ जिंदा रह जाए। अतीक की सांसें कुछ क्षणों तक थी, पर जब दूसरी तरफ से गोलीबारी हुई है तो अतीक की जो सांसें बची कुची थी तो वो शायद उसके वो भी उसके साथ ही वापस चली गई है। पर सबसे बड़ा रिक्रिएशन का मतलब यही है, कितने स्पॉट से कहाँ से दूरी चली वो चॉकआउट पुलिस को करना है, वो बड़ी चीज पुलिस के लिए है, क्योंकि जब फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी या चार्जशीट तैयार होगी आगे चलकर उसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब लिखे जाएंगे पुलिस की तरफ से, और ये शायद कोर्ट पूछेगा भी कि आपने सीन रिक्रिएशन में क्या क्या पाया है, तो जो सीन रिक्रिएशन में पुलिस चीजें निकाल कर पाएगी जो इन्वेस्टिगेटिव एंगल से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रमुख होगी, जरूरी होगी, वो यहां पर देखने वाली होगी। और मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि इंस्पेक्टर जो पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जो वहां पर मौजूद थे और जिन्होंने सरेंडर के वक्त सरेंडर जैसे ही उन्होंने चिल्लाया है और जैसे ही इंस्पेक्टर आगे जाकर रोकते हैं, उनका रोल बहुत अहम, और उनका एक एक बयान इस पूरे केस में बेहद अहम माना जाएगा। सईद जी बिल्कुल, ये 3 लोगों को लाया गया, इनकी पोजीशंस, एक एक चीज फिर से वही दोहराई गई है। इसमें क्या ये होता है कि मान लीजिए आप बातचीत के आधार पर, हथियारों की से पूछताछ के आधार पर अगर कुछ छूट गया है तो वो समझ में आ जाता है, और क्या हम ये माने कि इस तरह से सीन को रिक्रिएट करके आप एक एक चीज को अपने मन मुताबिक, कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाती है, माने इस बात को?
सही, जब बचपना होता है तो हम लोग से कहा जाता है कि आप अगर मैथ्स लगा रहे हैं तो आप या कुछ याद कर रहे हैं, आप लिख कर याद करिए, ये कहा जाता है आमतौर से बच्चों को जब वो स्कूलिंग कर रहे होते हैं, कॉलेज कर रहे होते हैं, कहा जाता है लिख कर आपको ज़्यादा याद होगा। दर्शकों को समझाना से इससे बेहतर तरीका ये इसलिए नहीं होगा कि सीन रिक्रिएशन भी वही चीज़ है, बयान तो आपने ले लिए पर जब आप स्पॉट पर जाएंगे तो उस वक्त जो आपको क्लैरिटी आएगी वो शायद ऐसे बातों में या पूछताछ में, इंटरोगेशन में नहीं आएगी, चाहे कितनी एसआईटी की टीम्स लखनऊ से आ जाएं, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। और पुलिस को ये बात पता है, जब भी बड़ा क्राइम होता है, आपको लखीमपुर कांड याद होगा, लखीमपुर में जब जिस तरह से किसानों की रौंद कर हत्या की गई थी उस वक्त भी सीन रिक्रिएशन हुआ था, विकास दुबे कांड में भी सीन रिक्रिएशन हुआ था, लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड में भी सीन रिक्रिएशन हुआ था। तो जब भी बड़े क्राइम के इंसिडेंट्स होते हैं तो सीन रिक्रिएशन इसलिए भी होता है कि एक एक चीज पुख्ता हो पाए उस वक्त घटनास्थल पर क्या हुआ था, और वहां पर उनको बुलाया जाता है जो इसमें पूरी तरीके से वहां पर मौजूद होते हैं एज ए विटनेस, फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो या अगर आरोपी हो तो उनको भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि अगर पुलिस रिमांड में है तो उनको भी बुलाया जा सकता है। सिपाही जो घायल हुए हैं मानसिंह नाम के, जिनका जैसा कि इंस्पेक्टर ने उस वक्त बताया था जब जिस दिन हम लोग ये रात में कवर कर रहे थे, उनको भी यहां पर लाया गया। तो ये जितने भी लोग हैं वो आप बताएंगे कि मैं यहां खड़ा था, मैं यहां मूव किया, या फिर शूटर ने गोली वहां से चलाई। तो ये जो लफ्ज है बोलने के कि कहां से कहां चलाई, वो शायद किताबों, ये वो शायद लिखा पढ़ी में आप नहीं सामने सामने बातचीत में बता पाएंगे, पर अगर आप स्पॉट पर मौजूद होंगे जहां पर ये पूरा सीन हुआ है वहां पर ये पाया जाएगा। आपने देखा फॉरेंसिक की टीम भी यहां पहुंची और कुछ पुलिस अफसर यहां पर जब भी सीन रिक्रिएशन होता है तो एक डायरी लेकर मौजूद होते हैं जो नोट डाउन करते हैं, अपने मोबाइल में नोट डाउन करते हैं कि किसने कहां से क्या करा है। वो एक पॉइंट उनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि जब चार्जशीट तैयार होगी शहीद उसमें इस एक एक पॉइंट का बहुत मतलब होगा, क्योंकि सीधे कोर्ट जाएगी और कोर्ट के आगे की जो भी सुनवाई होंगी वो इसी सीन रिक्रिएशन के। जी समर्थ रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय समाप्त हो गया है। समर श्रीवास्तव, संतोष शर्मा हमारे दोनों संवाददाता, और एक एक जानकारी उन्होंने दी।